इधर लगन हुआ था उसी टाइम की है ये जो है, हाँ, है। मतलब वही हमारे वाले सारेबाजी राधा गोविंद जी की, मतलब यहाँ वो रास होता था, रास भी होता था, झूला भी जी, झूला भी है, ये सब एक ही टाइम का है, ये सब एक ही टाइम का है। और इधर से बरसाना से आती थी राधा रानी झूला झूलने के लिए। जय हो, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, राधे राधे ब्रज वास राधे। मित्रों आपका मस्त दीपक बिंदास दीपक श्री हरि का दास दीपक अपनी इस आध्यात्मिक ब्रज धाम यात्रा में आज मैं आपको अपने साथ लेके आया हूँ बरसाना धाम में संकेत वट पर। जी हाँ, ये श्री कृष्ण समय कालीन है, श्री कृष्ण के समय का, राधा कृष्ण के समय का है। इस वट की खासियत यहाँ के ही सेवादार बताएंगे। और इससे पहला वीडियो जो कि राधा वल्लभ जी का संकेत गाँव में था वो मैंने आपको दिखा दिया, जिसमें कन्हैया कुछ दिनों के लिए राजस्थान घूमने चले गए थे जैसे कि बताया गया, फिर बाद में वो लीला से वापस आ गए थे। आज मैं आपको संकेत वट पे लाया हूँ, माँ कात्यायनी यहाँ पे मंदिर है श्री कृष्ण के समय का, योग माया जी का है, वो झूला कहते हैं राधा कृष्ण का, इस पे झूले थे वो है अंदर, प्राचीन कुंड है। तो चलिए मंदिर के भीतर, आप मेरे साथ बहुत ही अलौकिक शांति आप देख रहे हो, यहाँ लोग नहीं आते इसलिए मन में प्रभु ने भाव दिया मैं ये आप लोगों तक पहुँचाऊँ। आप लोग नंद बाबा नंद गाँव होकर चले जाते हो, बरसाना होकर चले जाते हो, लेकिन उसके बीच में ये जगह पड़ती है, वीडियो के अंत में मैं बताऊँगा ये कहाँ पर पड़ती है, ज़रूर आइएगा। और ये वीडियो अंत तक देखना, जो भी भक्ति मार्ग में मुझे पहली बार सुन रहा है इसे चैनल को रेड वाला सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल वीडियो का चकाचक दबा देना ताकि आप सदा भक्ति मार्ग पे दास दीपक के साथ मस्त दीपक बिंदास दीपक के साथ अपडेट रहे। तो चलिए मंदिर को आपको भीतर से दिखाता हूँ और यहाँ की महिमा यहाँ पे जो भी है उनके द्वारा आप तक पहुँचाता हूँ, अंत तक देखिएगा और लास्ट में शेयर करना मत भूलेगा। तो जुड़े रहिएगा दास दीपक मस्त दीपक बिंदास दीपक के साथ। संकेत गाँव संकेत बिहारी मंदिर और यह है श्री श्री योग माया सांकेतिक देवी मंदिर। तो आइए मंदिर के भीतर प्रवेश करते हैं। जैसा कि पता चला है ये अभी रेनोवेट हुआ है, बहुत प्राचीन है, वक्त के साथ हर चीज़ अपडेट करनी पड़ती है। बहुत ही सुंदर है, बहुत ही अलौकिक शांति है, जैसा कि आप देख रहे हैं शांति है, एक बहुत ही शांत गाँव है। ये गाँव का नाम है संकेत गाँव, बहुत ही सुंदर है जैसा कि आप देख पा रहे हैं, चारों तरफ अलौकिक शांति है। और ये सामने मंदिर है और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, तो चलिए मंदिर में प्रवेश करते हैं। बहुत ही अलौकिक शांति है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ लोग आते नहीं इसलिए गेट बंद रखा गया है, पंखे चल रहे हैं, बहुत ही सुंदर जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जय हो योग माया, योग माया श्री कृष्ण भगवान की बहन थी आपको पता होना चाहिए। जय हो बहुत ही सुंदर, जय हो माँ योग माया की जय, जय हो माँ योग माया, जय हो माँ योग माया की जय, जय हो जय हो। चलिए अब आगे बढ़ते हैं, आपको पूरा वन दिखाता हूँ, वट जिसे कहते हैं संकेत वट। यहाँ एक सोनी सेवा हो रही है, जो सफाई करते हैं उसे सोनी सेवा करते हैं, किस्मत वालों को मिलती है। मेरे भाई राधे राधे, आपका शुभ नाम? किशोरी। किशोरी जी आप ब्रजवासी हैं और कब से यहाँ सेवा आते हैं? करीब एक साल हो गए हो। तो जैसा कि बताया गया, मैं सुन के आया हूँ ये श्री कृष्ण के समय का मंदिर है, बिल्कुल ठीक है? हाँ, बिल्कुल ठीक बात है। ये और क्या कहते हैं ये जो फिर ये नया क्यों दिख रहा है? ये नया ऐसा हो रही, इसको जीर्णोद्धार मतलब अब मतलब करवाया, जीर्णोद्धार करवाया गया। एक सेठ है दिल्ली के, दिल्ली के सेठ है अश्विनी कुमार जी। अच्छा, उन्होंने मतलब अच्छा दो साल पहले मतलब जीर्णोद्धार किया है। ओके ओके ओके। वैसे ये योग माया का मंदिर, यहाँ की एक विशेषता क्या है योग माया की, यहाँ पे क्यों विशेष है ये? विशेष ये कि एक तो ये शब्द जैसे कि प्रथम मिलन स्थल, ये प्रथम मिलन स्थल, पर प्रथम मिलन से दो 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 मिल बन है, दो दो मिलन बन। हाँ हाँ, दो मिलन बन मतलब वहाँ पे जो है दो मिलन बन, यानी कि परड़े जो आज की भी तारीख में मतलब जो मिलन होता है, हाँ वो लीला वहाँ की है, जो प्रथम जो मिलन हुआ था वो यहाँ पे हुआ था। अच्छा, यानी कि जैसे कि गांव का नाम संकेत, हाँ इशारा जो संकेत करते थे, जो मतलब इशारा करते थे हाँ, यहाँ पे आ जाओ यहाँ मिलना है, हाँ यहाँ पे आ जाओ यहाँ मिलना, मतलब वही हमारे वाले सारेबाजी हाँ, राधा गोविंद जी की, मतलब यहाँ वो रास होता था, हाँ रास भी होता था, झूला भी जी, झूला भी है, हाँ ये सब एक ही टाइम का है, ये सब एक ही टाइम का है। और यहाँ पे कहते हैं कोई उनका कुंड भी है, हाँ ये बगल में कृष्ण कुंड, कृष्ण कुंड है। तो कुंड में क्या होता था? कुंड में सोइयो, जैसे गाय चराने आवे तो वहाँ पे नहाना नहाना धोना नहाना खेलना कूदना खेलना कूदना, बस ग्वाल वालन की लीला। चलिए मेरे भाई बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद श्री राधे। तो चलिए जैसा कि भाई ने बताया, अब मैं आपको दिखा रहा हूँ इसका जीर्णोद्धार, दिल्ली के किसी भक्त ने करा है, दो साल हुए करीब,
और बहुत ही अलौकिक शांति है। तो मेरे भाई एक बार चलते चलते बताएंगे, यहाँ लोग ज्यादा नहीं आते, मतलब लोगों यहाँ के बारे में ज्यादा पता नहीं है ना? नहीं, आते भी हैं पर हाँ ज्यादा पता भी नहीं है। तो चलिए, हमारी कोशिश रहेगी इस चैनल के माध्यम से जन जन तक पहुंचे यहाँ की महिमा। तो आइए आगे बढ़ते हैं, और सामने कुछ बच्चे बैठे हैं, ब्रज के लग रहे हैं। तो आइए पहले आप देखिए, पूरा संकेत वट है, बहुत ही सुंदर। तो आइए यहाँ के बारे में इनसे, शायद हीके लग रहे हैं। आपका शुभ नाम? हरिओम। और हीके हो? हरिओम ब्रजवासी। और आपका शुभ नाम? हरगोविंद ब्रजवासी। हरगोविंद, क्या बात है प्रभु जी। जैसे कि बताया, ये एक मैं देख रहा हूँ झूला, ये झूला की क्या है, मतलब कितना साल पुराना है ये? पता नहीं जी, बहुत साल पुराना है, कृष्ण जी के ही टाइम का है। आपका शुभ नाम? श्याम सुंदर। श्याम सुंदर, कृष्ण जी का टाइम का है। तो यहाँ पे आके वो झूला झूलते थे? राधा रानी झूलती थी यहाँ पे आके। अच्छा, इधर से नंदगांव से आते थे गाय चराने के लिए। अच्छा, और इधर से बरसाना से आती थी राधा रानी झूला झूलने के लिए। जय हो। तभी उनका मिलन हुआ था यहाँ पे। यहाँ पे मिलन हुआ था? फर्स्ट मिलन यहीं पे था। फर्स्ट मिलन, पहला मिलन यहाँ पे था इनका। ओके ओके। तो यहाँ दोनों यहाँ पे झूला झूलते थे? नहीं, सिर्फ राधा रानी झूलती थी। राधा रानी झूलती थी, वो यहाँ पे गाय चराने आते थे। गाय चराने आते, गईये चराने आता रहा, नंद बाबा का दुलारा है। और वो सामने सामने वो क्या है जो गोल से राधा रानी कितनी रास करती है। जय हो, जय हो, जय हो, जय हो। तो ये उसी समय का है, बस ये जीर्णोद्धार करा है इसलिए, तो इसलिए मतलब है ये उसी समय का है। और चलिए एक बार पहले मैं झलक दिखा दूं सबको। तो ये झूला है श्री राधा रानी का, जिसपे राधा रानी झूलती थी, बहुत ही सुंदर। जय हो, बहुत ही सुंदर। ऊपर इसमें गार्डर लगे हुए, जीर्णोद्धार कर दिया है, मंदिर को अपडेट किया गया है। और जैसे कि ठीक सामने आप देख रहे हैं, वो रास मंडल है जहाँ पे रास होता है। जय हो, मन प्रसन्न हो गया जी, अति सुंदर, अति मन भावन, गदगद हो गया जी, मन गदगद हो गया। तो आइए, तो मेरे भाइयों, ये सामने मंदिर जो है किसका है? कात्यायनी माता जी। तो कात्यायनी तो ब्रज की देवी है जी। ये भी श्री कृष्ण के समय की है? कृष्ण जी के समय। और आज भी यहाँ पे लोग आते, मान्यता पूरी है? मान्यता पूरी, आते काफी लोग आते, दूर दूर से आते हैं, विदेश से, मतलब जब भी आते जिनको पता है। हाँ, वो सब आते आते हैं। तो चलिए चलिए, फिर मैं यहाँ के दर्शन कराता हूँ। लगन चौधरी दर्शन कराइए। काहे के? जिसमें ठाकुर जी लगन हुई थी राधा कृष्ण की, इधर लगन हुआ था उसी टाइम की है ये जो है। हाँ, ये जो है उसी टाइम। अरे अरे, जय हो। अरे अरे अरे, लगन? हाँ जी, उसी टाइम की है ये लगन। ये जीर्णोद्धार नहीं हुआ इसका? इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ। ये जो चबूतरा है, कृष्ण जी का लगन चौतरा है। अरे अरे, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण, इसका तो मेरे को पता ही नहीं था। अब ये कृष्ण जी का लगन चबूतरा है? एक मिनट सुनना। कोई बात नहीं। अरे मैं तो रानू, मतलब ये इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, वैसी का वैसी है। नहीं, वो वैसे का वैसे ही है। यहाँ पे लगन हुआ था, ब्रह्मा जी ने लगन लगाई थी कृष्ण भगवान राधा जी की, इसके ब्रह्मा जी ने। हाँ जी। जय हो, यहाँ पे लगन लगी थी। अरे भाई, आपने बहुत बहुत महत्वपूर्ण जानकारी दी आप। हाँ, ये देख रहा हूँ सारा, वो इसका जीर्णोद्धार नहीं हुआ, वैसे का वैसी है। जय हो, बहुत सुंदर। चलो कोई बात नहीं, फिर भी ये वैसे का वैसे दिख गया। बहुत 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 सुंदर। इतना भजन है कि कम से कम 15 लोगों पे भी। अरे वाह, जय हो, जय हो। बहुत सुंदर जानकारी दी भाई आपने। देखिए कितनी सुंदर बात है, यहाँ ठाकुर जी का लगन कराया था ब्रह्मा जी ने। और देखिए, और ये माँ कात्यायनी का मंदिर है। आइए मैं आपको लिए चलता हूँ भीतर माता कात्यायनी के मंदिर में। जय हो, जय माता की, बोल साचे दरबार की जय। अति प्राचीन है, नीचे उतर के है, बोल साचे दरबार की जय। हे माई सच्चिया जोता वाली माता तेरी सदाई जय। बहुत ही प्राचीन, थोड़ी सीढ़ी नीचे उतर के आना पड़ा। जय माता की, जय माँ कात्यायनी देवी की जय। जय माता की जय, बोल साचे दरबार की जय। जय माँ कात्यायनी देवी की, साचे दरबार। सुंदर सुंदर, अद्भुत अद्भुत। जय हो, जय हो, जय हो, जय माँ कात्यायनी देवी। योग माया देवी, माँ कात्यायनी देवी,
प्राचीन श्री कृष्ण के समय से विराजमान और वो झूला जिस पे राधा रानी झूलती थी वो आज भी है और वो कुंड भी है 100 मीटर आगे, वो फिर अगले वीडियो में कभी दिखाऊंगा। लेकिन आज संकेत वट पे आके सच में मन प्रसन्न हो गया। सच तो ये है यहाँ बहुत कम लोग आते हैं और मैं अभी बाहर वीडियो के अंत में आपको दिखाऊंगा एक द्वार बना पड़ा है नंद गाँव से बरसाने के बीच में, वहाँ से आप यहाँ पर आ सकते हैं। तो मित्रों मेरे साथ संकेत वट के दर्शन करके कैसा लगा कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा। मेरा मन तो प्रसन्नचित हो गया, मन गदगद हो गया। सबसे बड़ी बात आज कृष्ण जन्माष्टमी पर मैं संकेत वट पर हूँ नंदगांव में और बरसाना के बीच में संकेत वट पर हूँ और मैंने खुद भी दर्शन करे, मेरे द्वारा आपने भी किए। सबसे पहली बात और मेन बात, ऐसे वीडियो आध्यात्मिक वीडियो मेरे हो चाहे किसी के हो शेयर किया करो ताकि औरों को भी जानकारी पहुँचे और भी अपने इस व्रत से अपने धर्म से जुड़े। मित्रों दास का उद्देश्य एक ही है, घर घर श्री कृष्ण, हर मन श्री कृष्ण, संपूर्ण विश्व में सनातन धर्म का परचम फहराना है, घर घर श्री कृष्ण, मेरे राधा गोविंद सीताराम हरि नारायण को बचाना है। तो दास यही प्रार्थना करेगा धर्म का प्रचार करो, वीडियो शेयर करना, कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो मिलते हैं मित्रों अगले वीडियो में और ऐसे भक्ति मार्ग पर जुड़े रहने के लिए जो पहली बार सुन रहे हैं अभी से रेड वाला चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना ताकि भक्ति मार्ग में चकाचक अपडेट रहें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे 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 ब्रजवास का राधे राधे श्याम सीताराम। बोलो वृंदावन श्री बाके बिहारी लाल की जय, बोलो बरसाने वारी की जय। तो ये है वो भव्य द्वार श्री महाप्रभु जी की बैठक कृष्ण कुंड और ये रास्ता सीधा योग माया जी के मंदिर में जाता है। इसके एक तरफ लिखा हुआ है महाप्रभु जी की बैठक और इसी तरफ बरसाना धाम है और इस तरफ नंदगांव है। इसके ठीक बीच में ये गेट है और इसके भीतर जाकर आप सीधा योग माया मंदिर में प्रवेश कर सकते हैं। जरूर आइएगा, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय जय श्री राधे श्याम।